बकरा के इकतीसवे रुकू का आगाज है और ये दूसरे पारे का पंद्रहवा रुकू है जिस आयत करीमा से इस रुकू का आगाज है ये सुर बकरा की आयत नंबर दो है एक अंसारी साहबी के बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई कि एक अंसारी साहबी थे जिन्होंने कबीला बनी हनीफा की एक खातून से निकाह किया और मेहर मुकर नहीं किया था खलवते पहले उन्होंने तलाक दे दी तो उस सूरत में यह हुक्म बयान हुआ जो आयत करीमा में बयान हुआ लाजुना तुम पर कुछ मुतालबा नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दो जब तक तुमने इनको हाथ न लगाया हो औ तफरीद या कोई मेहर मुकर न कर लिया होने तलाक दी खलवते सहिया नहीं पाई गई मेहर भी मुक्र न था तो फरमाया तफरीदू लहुन्ना फरीदो के, लहुन्न के बाद फरमाया वतीन्ना तो इन्हें कुछ बरतने को देना है कुछ इस्तेमाल के लिए देना है मुफसरीन बयान करते हैं कि जिस औरत का मेहर मुकर न हो और फिर कुर्बत से पहले खलवत सहिया से पहले उसे तलाक दे दी जाए तो फिर उस सूरत में उसके लिए मुता है मुता के माना यह है कि लिबास मुकम्मल दिया जाए फी जमाना शलवार कमीज और एक बड़ी चादर जिससे पूरा जिसम छुपाया जा सके जैसे आमतौर पर नमाज पढ़ने के लिए जो चादर इस्तेमाल की जाती है जो मोटी भी हो और पूरे जिसम को छुपा सकती हो ये देना वाजिब है इस सूरत में अलमुसिया कदरुहमु कदरुह जो ताकत रखते हैं मालदार हैं उन पर इनकी ताकत के मुताबिक लाजिम है और जो तंगदस्त हैं उन पर उनकी ताकत के मुताबिक यानी शोहर अगर मालदार है तो इस हिसाब से उसे कपड़े के जोड़े आला देने होंगे कोई गरीब है तो उस हिसाब से अदना देने होंगे और कोई दरमियानी हैसियत रखता है तो उसे दरमियाने देने होंगे मतम बिलमूफ हसब दस्तूर कुछ

अब दूसरी सूरत कि औरत को तलाक दी गई खलवत सहियात से पहले और निकाह के वक्त उसका मेहर मुकर किया गया था तो इस सूरत में फरतम जो मुकर किया था उसका आधा वाजिब है निफ्स मेहर देना होगा याफूना औफी बेदी उकदत मगर ये कि औरतें कुछ माफ कर दे अपनी मर्जी से और वो इस महर में कुछ कमी कर दे या जिसके हाथ में निका की गिरे है वो ज्यादा दे दे तो इसकी इजाजत है यानी महर जो मुकर हुआ अब तलाक हुई खलबत सहिया और कुर्बत से पहले तो इस सूरत के अंदर आधा मेहर देना है और चाहे तो उस आधे में भी कमी कर सकती है और शोहर चाहे तो वो ज्यादा भी दे सकता है यहाँ पे फरमाए निकाह वो ज्यादा देना चाहे तो दे सकता है जिसके हाथ में निकाह की गिरे है इससे मुराद शोहर है तो निकाह की गिरे शोहर के हाथ में है जस्टिस को यह इख्तियार नहीं कि वो निकाह तोड़ दे जैसे हमारे